जय श्री राम। दर्शकों, कल के दोहे और चौपाइयों में हमने देखा था कि कैसे हनुमान जी के वचनों को सुनकर रावण क्रोधित होकर उन्हें मारने का आदेश देता है। जिस समय एंट्री होती है उनके भाई विभीषण की, और विभीषण उन्हें नीति की बात समझाकर हनुमान जी को कोई और दंड देने के लिए कहते हैं, जिस पर रावण हनुमान जी की पूंछ पर तेल में डूबी हुई पट्टियां लपेट कर उसमें आग लगाने का आदेश देता है। ये भी वो हनुमान जी का उपहास करने के लिए ही करता है। इसके आगे की कथा हम आज शुरू कर। कपि के ममता पूंछ पर सबई कहूं समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाए, सियावर राम जय जय राम। पूंछ हीन बानर तह जाही, तब सठ निज नाथई ले आए, जिनके की नसी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। वचन सुनी कपि मन मुस्काना, भई साय सारद में जाना, जातु धान सुनी रावण वचना, लागे रचे मूड सोई रचना, रहा न नगर बसन घृत तेला, बांडी पूंछ कीन कपि खेला। कौतुक आए पुरवासी, मारे चरण करे बहुवासी, बाजे डोल दे सब तारी, नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भये सभीत निशाचर नारी। दोहा हरि प्रेरित ते अवसर, चले मरुतु नचास, अट्टहास करी गर्जा, कपि बड़ लागि आकाश, सियावर राम जय जय राम। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़दाई, जरै नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातुहा सुनि उपकारा, ऐ अवसर को हमई उबारा, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर पलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही, ताकर दूत अनल जय सिर जा, जरा न सोते कारण गिर जा, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुन सिंधु मजारी। दोहा पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरी लग रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर, सियावर राम जय जय राम। यहाँ पर जब रावण विभीषण की बातों में आकर नीति समझकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है, उसके बाद वहां उसके सभा में उपस्थित सारे राक्षस हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए घी का एक बर्तन और सारे कपड़े लेकर आते हैं, लेकिन हनुमान जी ठहरे चंचल। अब उनके मन में एक युक्ति आती है कि क्यों ना अब इसे अपनी शक्ति का भी परिचय दे दिया जाए, क्यों ना रावण के राक्षसों को यह बताया जाए कि सिर्फ राक्षस ही शक्तिशाली नहीं होते, हरि के दूत और भक्ति में चूर इन वानरों में भी काफी शक्ति होती है। अब इस युक्ति को वो फलित करने के लिए क्या करते हैं, अपना रूप बढ़ाना शुरू करते हैं, अपना साइज बढ़ाना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे हनुमान जी का साइज बढ़ता है उनकी पूंछ का भी साइज बढ़ता जाता है, और बढ़ते बढ़ते पूंछ का साइज इतना हो जाता है कि लंका में जितने भी दुपट्टे कपड़े थे, जितना घी का उनका भंडार था, सब खाली हो जाता है। जितने भी रावण के राक्षस थे कपड़ा लपेटते लपेटते अब थक जाते हैं। इसके बाद हनुमान जी को लंका की गलियों में सबके बीच ढोल नगाड़े बजाते हुए घुमाने के बाद उनकी पूंछ में आग लगा दिया जाता है, और जैसे ही हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई जाती है, हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करते हैं और कूद के एक परकोटे से दूसरे परकोटे पर चढ़ जाते हैं। एक दीवार से दूसरे दीवार पर कूदते हुए फांदते हुए वो उन सब दीवारों में आग लगाते हुए चलते हैं, और ऐसा करते हुए वो लंका के सारे घरों में आग लगा देते हैं। केवल एक विभीषण का घर बचा रह जाता है। विभीषण चूंकि राम के भक्त थे और वो धर्माचरण करने वाले थे, इसीलिए हनुमान जी उनका घर छोड़कर लंका के सारे घरों में आग लगा देते हैं, और उन सभी की नजरों के सामने वो आकाश में उड़ चलते हैं। जब उन्होंने सारी लंका में आग लगा दी, तो आग लगाने के बाद जितने भी लंका के निवासी थे, रावण के जितने भी सभापति थे, अब उनके मन में आने लगता है कि हम सब तो पहले ही आपको कह रहे थे कि ये कोई वानर नहीं हो सकता, वानर के रूप में कोई मायावी देवता है जो राम की सहायता करने के लिए, हमसे दुश्मनी का बदला लेने के लिए हमारे यहाँ वेश बदल कर आया हुआ है। इसी बीच हनुमान जी समुद्र में कूद कर अपनी पूंछ में लगी हुई आग बुझा लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज है, पावक देहु लगाई। पावक जो है अग्नि जो होते हैं, अग्नि हर एक चीज को पवित्र करने के लिए जाने जाते हैं। अग्नि में गया हुआ सोना भी तपकर पवित्र हो जाता है, और हनुमान जी तो स्वयं श्री राम के भक्त थे, उनकी पवित्रता पे कोई सवाल उठा ही नहीं सकता, और इसी वजह से उस अग्नि से हनुमान जी की पूंछ का एक बाल तक नहीं जलता है। हनुमान जी पूंछ में लगी आग को समुद्र में कूद कर बुझाते हैं, और तुरंत वहां से वापिस लौटने के लिए अशोक वाटिका में माँ सीता के पास आज्ञा लेने के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जय श्री राम। दर्शकों, आज का दोहा, आज की चौपाई यहाँ पर खत्म होती है। इस आग की वजह से लंका का संपूर्ण विनाश हो जाता है, सोने की लंका जल रही होती है, लेकिन हनुमान जी रावण को अपनी शक्ति का परिचय दे चुके होते हैं, वो रावण की शक्ति का परिचय ले चुके होते हैं। अब वो माँ सीता के पास जाकर राम जी को देने के लिए कोई निशानी देने को कहते हैं,
इस प्रसंग को अगले दोहे और अगली चौपाई के माध्यम से हम कल फिर से जानेंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं कल सुबह। जय श्री राम।